हम निकल रहे हैं ट्यूशन के लिए। अरे तुम दोनों अभी तक यही हो, इतना लेट हो रहा है, भागो यहाँ से। हाँ मम्मी बस जा ही रहे हैं। दीदी दीदी जल्दी चलो ना, आप हमेशा लेट करवा देती हो। अरे दीदी क्या ये फोन में हर वक्त लगे रहते हो, कभी मेरे को भी दे दिया करो। अच्छा अभी देती हूँ तुझे फोन, ये ले, मारूंगी अभी कान के नीचे। तुझे याद नहीं है क्या मम्मी ने क्या कहा है कि जब तू 12th में आ जाएगा तब मिलेगा तुझे फोन, और वैसे भी अभी तो 9th में है, तो फर्क समझ सीनियर और जूनियर का, ज्यादा सीनियर बनने की कोशिश मत कर। बड़ा आया, चल अब। अरे भाई आज ना मेरी केमिस्ट्री की क्लास है, मुझे अभी याद आया, और अपनी केमिस्ट्री की बुक तो मैं घर पे ही भूल गई। तू एक काम कर, तू ट्यूशन चल, मैं बस अभी लेकर आई, ठीक है? नहीं नहीं दीदी मैं अकेले ट्यूशन नहीं जाऊंगा, आपने अपनी बुक ले आओ, मैं ना जब तक यहीं पे वेट करता हूँ। अच्छा चल ठीक है। अरे दीदी जाते जाते अपना फोन तो दे जाओ, जब तक आप जाओगे मैं क्या करूंगा, अब फोन ही चला लूंगा। अच्छा ठीक है ले। वाह बेटे। अरे बेबी तुम आ गई। क्या आ गई यार, हद होती है, जब देखो तब बेबी मिलना है, बेबी मिलना है, बेबी देखना है तुम्हें, लो देख लो अपनी बेबी को। अरे बेबी तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्यों ना बोलूं, हद होती है यार। और तुम्हें वैसे ट्यूशन व्यूशन नहीं जाना होता क्या? अरे बेबी आजकल मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, वो भी अनअकैडमी पर, इसलिए फ्री रहता हूँ। अच्छा मैं भी बात करती हूँ अपने भाई की ऑनलाइन ट्यूशन लगवाने की मम्मी पापा से, फिर हम आराम से मिल लिया करेंगे। और हाँ एक दिन ना तुम फंसाओगे मुझे, और फिर मेरे मम्मी पापा मेरी शादी करवा देंगे, फिर बस तुम देखते रहना अपनी बेबी की शादी। देख ली अपनी बेबी को, अब जा रही हूँ मैं। अरे बेबी इतनी जल्दी? हाँ मेरा ना अकेडमी पे ऑनलाइन ट्यूशन नहीं होता ना, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, और वैसे भी मेरा भाई रास्ते में वेट कर रहा है मेरा। अच्छा ठीक है बाय, शाम को छत पे मिलना, वहीं मिलते। ठीक है। अच्छा तो ये थी केमिस्ट्री की बुक, ले ली। ओए माँ। मैंने भी पूरी रिकॉर्डिंग कर ली है। ओए फोन वापस दे मेरा। ना ना ये फोन तो आपका है, पर इसमें रिकॉर्डिंग मेरी है। अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो घर तक ना जाए और ये फोन भी आपको मिल जाए, तो मेरी कुछ डिमांड्स है, बस वो पूरी कर दो फिर फोन भी ले लो। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। अच्छा क्या डिमांड्स है तेरी? ज्यादा कुछ नहीं, बस आपका ये जो फोन है ना, दिन में बस 2 घंटे मेरे पास रहेगा, और आप बस मेरा सारा ट्यूशन का होमवर्क कर देना। अच्छा ये कुछ ज्यादा डिमांड नहीं हो गई तेरी? अच्छा ठीक है, फिर मैं ये वीडियो ना मम्मी और पापा दोनों को व्हाट्सएप कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं ठीक है डन। पक्का डन ना डील? हाँ हाँ पक्का। हे भगवान लोगों को भाई मिलता है और मुझे ये जल्लाद मिला है। चल फोन दे अब मेरा। ना ना याद नहीं क्या, दिन के 2 घंटे मेरे शुरू हो चुके, अब ये फोन 2 घंटे तक मेरा है। बच्चो अनअकैडमी के बारे में किस किस को बताएं? सर यहाँ पे ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस ले सकते हैं। शाबाश सिपू बेटा। अच्छा मतलब घर बैठे ट्यूशन हो जाएगी? हाँ बच्चों फिर ट्यूशन जाने की वो टेंशन ही नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन। मम्मी 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 मम्मी। अरे क्या हुआ, कौन चिल्ला रहा है? सर सर कॉकरोच। अरे कॉकरोच ही तो है, कोई क्रोकोडाइल थोड़ना है, बैठो चुपचाप।
मुझे और कितना डरावना भी। अरे ये इससे डर रही है तू? इसको तो मैं अभी उठा के फेंक देता हूँ। अबे ये तो नकली है, ये देख ले पकड़। इससे डर रही है पागल। जय हो बिहार के लाला। साइलेंस, शोर मत करो। और हाँ, आप जो ये वीडियो देख रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, अनअकैडमी एक ऑनलाइन ट्यूशन क्लास की वेबसाइट है। हाँ सर। तो बच्चों, अगर आपको पता चले कि अनअकैडमी पर आप फ्री में एक एप्पल मैकबुक लैपटॉप, आईफोन और वन प्लस मोबाइल जी सकते हो, तो आपको कैसा लगेगा? सर मजाक कर रहे हो क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, मैं तो तेरा रिश्तेदार लग रहा हूँ ना, तो ऐसा मजाक करूंगा। सर तो हम ये सब जीतेंगे कैसे, ये भी तो बताओ। देखो बच्चों, 20 जून को अनअकैडमी का एक छोटा सा एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसमें होगा लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो आप अभी जाके अपना एनरोलमेंट करो, या फिर अपने मम्मी पापा को बोलो, वो लोग कर देंगे। और हाँ, आप जो वीडियो देख रहे हो ना, आपके लिए भी है ये सब। सर इसका फायदा क्या है? अरे आप 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो, और साथ ही मोबाइल, लैपटॉप और बहुत सारे गिफ्ट जीतने का मौका भी है। सही है सर, मैं तो अभी अपनी मम्मी को बोलता हूँ मेरा रजिस्ट्रेशन करवा देंगी। लेकिन सर ये तो आपने बताया ही नहीं कि ये कौन से क्लास के बच्चों के लिए है। स्मार्ट क्वेश्चन सिपु बेटा। तो सुनो, ये 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए है, वो भी बिल्कुल फ्री। फ्री कैसे सर? बेस्ट क्वेश्चन बेटा। तो अब जो मैं बोल रहा हूँ, उस प्रोसेस को ध्यान से फॉलो करो। अनअकैडमी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके क्लिक करो और अपना मोबाइल नंबर डाल के एनरोल करो। फिर वहाँ जाकर अपना कोड डालो, जो कि है फन, FUN, फन। है ना कितना सिंपल? सर मैंने तो कर भी लिया, ये देखो। सर मैं तो ना मम्मी को बोल के आज ही करवाऊंगा। सर हम भी आज घर जाते एनरोल करेंगे। और हाँ भाई, आपको किस बात का इंतजार है, जल्दी करो अपना एनरोलमेंट। एनरोलमेंट होते ही मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं वेट कर रही हूँ। मजा आया कॉकरोच। बेटा तेरे को तो मैं अभी बताती हूँ, ये कॉकरोच अब जाएगा सर के ऊपर। क्या सर, क्या हुआ? अरे बेटा कॉकरोच, कॉकरोच। अरे सर इतना क्यों डर रहे हो आप, कॉकरोच ही तो है, कोई क्रोकोडाइल थोड़ी ना। चुप, किसकी हरकत थी ये, किसकी हरकत थी? अच्छा तो तुम दोनों थे, खड़े हो जाओ, तुम दोनों के दोनों खड़े हो जाओ। और तुम दोनों एक काम करो, अपना अपना बैग चेक कराओ, इधर आओ। अच्छा तो तेरी हरकत थी ये, हैं? तेरी हरकत थी ये, तेरी। चुपचाप वहां जाके मुर्गा बन जा, चल। अरे बेटा अब बैठ जाओ। सर सर माना सर, कॉकरोच मेरा था, पर सर फेंका तो इसने था। हाँ बात तो तू सही कह रहा है, तू एक काम कर, खड़ी हो, खड़ी हो। अब तेरे को मुर्गा तो नहीं बना सकता, एक काम कर वहां जाके खड़ी हो जा, हाथ ऊपर करके, चल। आइए आइए। इससे अच्छा तो ऑनलाइन क्लास ही होती है, कम से कम ऐसे कोई पनिशमेंट तो नहीं देता। सिब्बू रुक, दर्श तेरी बहन ट्यूशन जा रही थी, उसे छोड़ कर आ। मम्मी मैं नहीं जा रहा, ये क्या ड्रामा है, मैं क्यों छोड़ कर आऊं उसे, मैं तो गेम खेलूंगा घर में। चुपचाप खड़ा हो ले, बड़ा हो गया तू, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी बहन को छोड़ के आने की और साथ में लेकर आने की।
अरे यार क्या मम्मी, हर टाइम बस इसे चेप कर देती हो मेरे, क्या ड्रामा लगा रखा है ये। ये ध्यान रखेगा मेरा, छोटा है ये मेरे से, ये क्या सेफ्टी करेगा मेरी, मैं इसकी सेफ्टी करती हूँ। चुप रहे तू, माहौल खराब है आजकल का, ये साथ जाएगा और साथ में लेकर आएगा तुझे। अरे मम्मी मैं कोई बंक थोड़ी ना कर लूंगी ट्यूशन, ये कहीं भाग जाऊंगी जो आपने ये जासूस छोड़ रखा है मेरे पीछे। चुप रह तू, बोल दिया ना साथ जाएगा। और तू खड़ा हो ले भाई, ये तू फर्ज बनता है देखो अपनी बहन की रक्षा करने का। अच्छा ठीक है ना, जा रहा हूँ। यार ये मम्मी ने ना रोज का ड्रामा बना रखा है, डेली डेली छोड़ कर आओ, डेली डेली लेकर आओ। हाँ मम्मी ना जासूसी करने भेजती है तेरे को मेरे पीछे। अरे कौन थी ये लड़की, इतनी प्यारी सी, इतनी सुंदर सी। अरे अब तो छुट्टी होने का वेट ही करना पड़ेगा, बिना देखे तो नहीं जाऊंगा। अरे तू अभी तक यहीं खड़ा है, घर नहीं गया? ओ दीदी मैं ये सोच रहा था कि अभी घर जाता, दो घंटे बाद आपको दोबारा लेने आता, तो सीधा आपको लेके सीधा घर ही जाऊं। अच्छा चल। दीदी दीदी वो लड़की कौन थी जिसने आपको बाय बोला? कौन वो? अरे उसका न्यू एडमिशन है, उसने आज ही ज्वाइन किया है। अच्छा तो वो आपकी दोस्त बन गई? नहीं दोस्त तो नहीं बनी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत बातचीत है। अच्छा दीदी आप उसका नाम पता है? नाम? हाँ। तू क्यों पूछ रहा है, तू क्या करेगा? वो मेरी क्रश। क्रश? दीदी क्रश नहीं, क्रश दीदी। अबे ओ बड़ी है वो तेरे से, और वो तेरे से तो क्या, वो तो मेरे से भी बड़ी है। तो दीदी जब भी तो मैंने उनको बोला है क्रश दीदी। तू ना ज्यादा हवा में मत उड़, चल अब। मम्मी मम्मी मैं क्या सोच रहा था, वो दीदी के ट्यूशन में ना आप मेरा भी ट्यूशन लगवा दो, क्योंकि वैसे भी मैं छोड़ने तो जाता ही हूँ, इस बहाने मैं भी पढ़ लूंगा। अरे वाह बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, चल मैं ट्यूशन में ना बात करती हूँ, फिर दोनों भाई बहन साथ साथ जाना। कल से ट्यूशन जाऊंगा, मस्त पेचे लड़ाऊंगा ये। अरे दीदी आ जाओ जल्दी। अरे दीदी लेट हो रहे, जल्दी आ जाओ ना, इतना कहाँ टाइम लगा रहे हो। अरे दीदी पहले दिन ही लेट हो जाएंगे। चल जल्दी चल। एक मिनट तू कहाँ चल दिया जो लेट हो जाएंगे, और ये न्यू आईफोन ये कहाँ से लाया तू? अरे दीदी आप भूल गई क्या, एन अकेडमी पे एनरोल करने के बाद हर रोज मिलेंगे 7 लकी एनरोलर्स को सरप्राइज गिफ्ट। अरे वाह देखा आपने, तो आप भी करो जल्दी एनरोल, डेली 7 लकी विनर्स होंगे। अच्छा दीदी तो आज से ना मैं भी आपके साथ हर रोज ट्यूशन चलूंगा, मैंने भी ना मम्मी से बात कर ली है। अच्छा चल ठीक है। हेलो। हाय। आपका न्यू एडमिशन है? हाँ मेरा भी। आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? मैथ्स। ओह मेरा भी सेम। आपको कोल्ड कॉफी पसंद है? हाँ बहुत। अरे वाह
क्या कोइंसिडेंस है, मेरी तो फेवरेट है कोल्ड कॉफी। अच्छा वैसे आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है? मम्मी पापा और मैं। अरे सेम यार सेम यार, मेरे घर में भी बस मम्मी पापा और मैं हूँ। अच्छा तो फिर मैं कौन हूँ? ये मेरी दीदी है शिबू दीदी। अच्छा तो तुम शिबू के छोटे भाई हो, सो स्वीट, मतलब तुम मेरे भी छोटे भाई हुए। भाई भाई नाना भाई मत बोलो मुझे, मेरा नाम दर्श है, आप ना मेरे को बस दर्श करके ही बुलाओ। अच्छा दर्श, ठीक है दर्श, तुम बहुत क्यूट हो। आपने मेरे को क्यूट बोला? आपका न्यू एडमिशन है ना, आपको अगर कुछ भी काम ना तो आप सिर्फ मेरे को बोलना, आपको कुछ भी हो, आपको कुछ भी किसी को बोलना हो आप सिर्फ मेरे को बोलना, आपको कोई भी काम हो किसी से भी हो आप सिर्फ मेरे को बोलोगे। आपका सारा काम कौन करेगा? मैं करूँगा। आपको किसी भी चीज के लिए दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना आपके लिए। आज की मैं चूर हो गया छोरा काले का, तो चले बेबी चलो। लेकिन ये छोटा कौन है? अरे ये तो सिब्बू का छोटा भाई है, मतलब मेरे भी भाई जैसा हुआ। वो सब तो ठीक है पर तू कौन है? मैं तो इसका बॉयफ्रेंड हूँ। पर बेटा तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? मेरे को तो बहुत तमीज सिखाई है। हाँ तो बेटा तमीज से बोलो ना। अरे राहुल ये तो बच्चा है, छोड़ो ना तुम भी, वैसे भी मेरे भाई जैसा ही है। चलो हम चलते हैं। रुको, आज के बाद आप अपना काम सारा खुद करोगे, मैं नहीं करूंगा। कौन लगते हो आप मेरे? मैं शिबू दीदी का भाई हूँ, ये है मेरी दीदी, आप नहीं। आज के बाद अपना सारा काम आप खुद करना या फिर इस अपने बेबी से करवाना। चलो शिबू दीदी। अरे ये बावड़ा बावड़ा है क्या? चलो मम्मी मैं कल से ट्यूशन नहीं जाऊंगा। क्यों क्या हुआ? मम्मी वो ट्यूशन वाले सर कह रहे थे कि तू बहुत इंटेलिजेंट है, तेरे को ट्यूशन आने कोई जरूरत नहीं है, तू ऑनलाइन क्लासेस लियो ना एकेडमी पे। दूध के दांत टूटे नहीं, दिल पहले टूट गया। गाइस अगर इस उम्र में आपका भी ऐसे ही दिल टूटा हो ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। मम्मी अब पापा ट्यूशन की फीस दे दो। फीस अभी तो देती तुझे। अरे पापा वो तो पिछले महीने की थी ना, इस महीने की चाहिए। तो बेटा पिछले महीने की भी तो दी थी, फिर एडवांस क्यों मांग रहा है वो? पापा वो सर ने ना इस बार सबसे एडवांस फीस मंगवाई है, क्योंकि पापा उनकी ना वाइफ की डेथ होगी तो इसलिए ना उनके घर की ना थोड़ी स्थिति खराब चल रही है, तो इसलिए ना उन्होंने सब स्टूडेंट से बोला कि एडवांस में फीस दे दो। अच्छा ठीक है बेटा ले ले पैसे, और मेरी तरफ से उन्हें सांत्वना भी दे देना, और उनको बोल देना कि दूसरी शादी कर लें, अभी तो वो जवानी है। हाँ पापा मैं ना उनको यही समझाऊंगा। अरे तू क्या समझाएगा, तू तो अभी बच्चा है, मैं ही उनसे फोन पे बात कर लेता हूँ। पापा 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 सर को फोन मत करो, आपको पता नहीं क्या उनकी ना मानसिक स्थिति थोड़ी खराब है, अभी परसों की बात ले लो, मेरे सामने की तो बात है, सर को ना किसी ने फोन करा था, सर ना उसको गाली बकने लग गए थे, तो अब मैं नहीं चाहूंगा ना कि मेरे पापा को कोई गाली बके। तेरा टीचर सनकी है क्या? हाँ पापा। पापा आप फीस दे दो। ठीक है ले ले। यार आज फिर कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है पर पैसे ही नहीं है, कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा। अरे तो पापा से मांग लेना फिर से फीस के बहाने। अरे यार लास्ट टाइम भी तो यही ट्रिक यूज करी थी, इस टाइम कोई नई ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। रुक मैं सोचता हूँ। आइडिया, रुक। सर सर मुझे सर आपसे एक बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। सर
सर इस बार मैं इस महीने की फीस नहीं दे पाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? सर जब से लॉकडाउन हुआ है ना, मेरे घर में सर बहुत दिक्कत हो रही है सर। डेली मम्मी पापा के झगड़े चलते हैं सर। पापा कहते हैं दिन में बस 4 चावल के दाने और 5 दाल के दाने खाओगे तुम, और मम्मी कहती है कि मैं तो 25 खाऊंगी, इसलिए लड़ाई होती है रोज सर। और वो तो जो मेरी बहन है ना, उसका तो सर बॉयफ्रेंड है सर, वो अपने घर का सारा राशन और सामान उसके ऊपर लुटा देती है सर। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, हम बहुत गरीब हो चुके हैं सर। सर मैंने 4 दिन से खाना भी नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है सर मेरे को। अरे कोई बात नहीं, तू परेशान ना हो, और फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। और तू एक काम कर, अपनी पॉकेट मनी मेरे से ले लेकर। सर इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। ले जा, और परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे, जा। सर थैंक यू सो मच सर, सर आपका मैं एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सर आप तो देवता हो देवता, दानव तो बिल्कुल नहीं हो। बेचारा कितना दुखी है। ये डेली डेली इतनी चीजें कहाँ से लाके खाता है? कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। समर्थ, देख सच सच बता दे, तुम दोनों का क्या चल रहा है? वो डेली डेली नई नई चीजें कहाँ से खाता है? वरना मैं तेरी मम्मी से तेरी शिकायत लगा दूंगी। नहीं नहीं दीदी, बताता हूँ। वो मैं जाऊं दीदी? जा। अच्छा बच्चे, पापा देखो मैंने अब आपको सब कुछ बता दिया है, अब दर्श आएगा तो आप खुद देख लेना। बरा पार सुलगे टिको सूड़ गई सुंदरा, सुलगे सुलगे बरा पार सुलगे टिको सूड़ गई सुंदरा। मेरी बीवी की डेथ हो गई। तुझे पेट भर खाना नहीं मिलता? मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तेरे घर में खाने के लिए राशन नहीं है। लोगों को मैं फोन करके गालियां बकता हूँ। तेरी बहन का बॉयफ्रेंड है और उसे पैसे उड़ा दिया है। बेटे अब तू गया, तू गया। अरे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, सारा दिन बैठे बैठे सिर्फ टीवी देखते रहते हो। अरे नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, वो जस्ट अभी ट्यूशन से आए थे, थक गए थे इसलिए थोड़ी देर टीवी ऑन करा, जस्ट अभी टीवी ऑन करा है। अच्छा ट्यूशन से, जरा दिखाइए अपनी ट्यूशन की कॉपियां, देखूं तो क्या पढ़ाई करते हो पूरा दिन। क्या ये सब, अपनी दिखाओ। अरे ये फॉर्मूले तो सारे गलत हैं, ये क्या पढ़ा रखा तुम्हें ट्यूशन में? हाँ पापा ये चीज तो मेरे को भी पता है कि सारे फॉर्मूले गलत है, पर पापा जब मैंने ये बात अपने टीचर को बताई ना, तो वो मुझे कह रहा कि मैं तेरा टीचर हूँ तू मेरा नहीं। मेरे को ना उसने धमका भी दिया। अच्छा कितना पढ़ा लिखा है तुम्हारा टीचर? पापा ट्यूशन तो आपने लगवाया था ना, तो अब हमें कैसे पता होगा कि वो कितना पढ़ा लिखा है? अच्छा इसकी ऐसी की तैसी, अभी बताता हूँ इसे, रुक जरा।
हेलो बे, क्या हेलो, क्या पढ़ा रहा है तू मेरे बच्चों को? सर आराम से बात करते हैं। क्या आराम से बात करेगा तू मेरे से? ये क्या पढ़ाया तूने मेरे बच्चों को? ये क्या फॉर्मूले हैं? सर मैंने तो बिल्कुल सही पढ़ाया है। अच्छा तू सही पढ़ाता है? तेरी क्लास की कॉपियां देखी है मैंने। सर मेरी कॉपी? अरे सर मेरी कॉपी में तो सब ठीक है, सब कुछ अच्छे से पढ़ाता हूँ मैं। अच्छा साले तुझे खुद तो कुछ आता जाता नहीं है, दसवीं फेल, मेरे बच्चों को पढ़ाएगा तू? एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तुझसे सही लगाया नहीं जाता, और घर बैठे बैठे हम जैसे भोले माँ बाप को लूटने का धंधा खोल रखा है तूने। आज के बाद मेरे बच्चे नहीं आएंगे तेरे पास, बनाऊं तुझे टीचर अभी। अरे क्या हुआ, क्या देख लिया आपने? सब देख लिया मैंने, तेरी पूरी कॉपी चेक करी है मैंने, सब चीज गलत पढ़ा रखी है। चल फोन रख। बच्चों अब से इस टीचर के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए नया टीचर ढूंढूंगा मैं। लेकिन पापा इतने दिन? इतने दिन खुद से पढ़ो, तुम दोनों बहुत इंटेलिजेंट हो, देख लिया है मैंने। और वैसे भी अनअकैडमी से तुम दोनों ने जो स्कॉलरशिप जीती है, तो अब तुम दोनों अनअकैडमी पर ही क्लासेस लेना। ठीक है पापा जी। अरे ये क्या लिखा है, सारे के सारे फॉर्मूले गलत है। कितनी बार मैंने समझा दिया तुम्हें ये क्वेश्चन, पर एक बार में समझ नहीं आता क्या? तुम्हारे दिमाग में ना दिमाग नहीं है, गोबर है गोबर। इससे अच्छा किसी गधे को समझाओ ना, वो इंसान बन जाए। लेकिन तुम्हारे कुछ पढ़ने नहीं पढ़ने वाला, तुम दोनों से तो बात ही करना बेकार है। एक काम कर दो, आज तुम्हारे पापा से बात करूंगा, और आज शाम को ही करूंगा, वो बताएंगे तुम्हें नलायक कहीं के। बैठो। अरे दीदी अब तुम फंस गए, शाम को तो ये पापा को फोन करके सब कुछ बता देगा। हाँ भाई मैं भी यही सोच रही हूँ, मेरे को भी बहुत टेंशन हो रही है, क्या करें हम। आइडिया। क्या? देख मैंने कल शाम को मम्मी पापा को आपस में बात करते हुए सुना था, वो आपस में बात कर रहे थे। कल मैं बच्चों के स्कूल गया था, इनके मार्क्स बहुत कमा रखे हैं। अरे मार्क्स कैसे कमा सकते, हमारे बच्चे तो ट्यूशन भी जाते हैं। वही तो मैं सोच रहा हूँ। चल कोई बात नहीं, शाम को मैं जब ऑफिस आऊंगा ना इनकी कॉपियाँ चेक करूंगा, और फिर देखता हूँ क्या पढ़ाई करते हैं ये। हाँ जरूर चेक करना एक बार तुम। अरे दीदी इससे तुम और फंस जाएंगे ना, इसमें आइडिया क्या है? अरे पागल यही तो तुझे पता नहीं है। देख हमें ये नहीं बोलना कि वो सारे गलत फॉर्मूले कॉपी में हमने लिखे हैं, हमने मम्मी पापा से ये बोलना है कि वो सारे गलत फॉर्मूले टीचर ने लिखे हैं। अरे वाह दीदी क्या दिमाग लगाया है, क्या इंटेलिजेंट हो आप तो, वाह। वीडियो तो आप भी अनअकैडमी मर्ज के लिए जल्द से जल्द इनरोल करो। मेरे कोड फन से इनरोल करने वालों में से लकी विनर को मैं करूंगी इंस्टा पे फीचर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ कमेंट में इनरोल करो। बेस्ट ऑफ लक एंड हरी अप फॉर योर इनरोलमेंट, क्योंकि सीट लिमिटेड ही है। बाकी अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके जरूर बताना। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, लव यू।